नमस्ते एन्ड जय नेपाल, म निरज गुरुङ। आज म नेपालको सम्पूर्ण नेपालीवासीहरूको तर्फबाट इन्डियन मीडियाहरूलाई केही भन्न चाहन्छु उहाँहरूकै भाषामा। मीडिया 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 क्या है मीडिया, हाँ मीडिया का काम क्या है पहले ये मेरे को बताइए। मीडिया का काम है सच्ची खबर जनता के सामने पेश करना, लेकिन आप लोग ये क्या कर रहे हैं, नेपाल का क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्या नेपाल में खाली लाशें मिलते रहे, लाशें मिल रहे आप लोग बोल रहे हैं नेपाल में खाली लाशें ही मिल रहे हैं, लाशें मिल रहे, कितना आदमी बचा है आप बोल क्यों नहीं दिखा रहे? हाँ वियतनाम का वीडियो दिखा के नेपाल में नेपाल का वीडियो बना रहे हैं, क्या है मीडिया का काम ये? लगता है आज तुम लोग को नेपाल का परिचय कराना पड़ेगा। ये देखो ये है हमारा झंडा, मालूम है इसमें क्या है, ये चंद्र और सूर्य। इसका मतलब क्या है, जब तक आसमान में चंद्र और सूर्य है तब तक हमारा देश है, हम नेपाली हैं, हमारे देश को कोई नहीं झुका सकता। ये बात तुम लोग अच्छे से दिमाग में डाल लो। इतिहास गवाह है आज तक नेपाल किसी का गुलाम नहीं हुआ है। अरे तुम्हारा देश तो कितना साल अंग्रेज का गुलाम हो चुका है, भूल गए? मुझे लगता है तुम लोग भी वही सिस्टम करने वाले हो। अंग्रेज लोग पहले सुई बन के आए, बाद में हाथी बन के तुम्हारा देश निकल गया, लेकिन ये तुम लोग हमारे देश में नहीं कर सकते। अगर तुम लोग सुई बन के आओगे और हाथी बन के निकलोगे तो हाथी और सुई को काटना कैसा है ये पूरा नेपाली को मालूम है, ये दिमाग में डाल लो भाई। क्या है मीडिया का काम, हाँ नेपाल को मिनी इंडिया बता रहे हो। भूकंप में उधर आदमी मर रहा है, उधर शूटिंग कर रहे हैं आप लोग, बोल रहे हो कैसा लग रहा है? अरे तुम लोग को भी जमीन में गाड़ के बाहर निकाल के पूछा जाए कैसा लगेगा? दूसरा देश का मीडिया लोगों को देखो, बेचारे वो लोग कैमरा छोड़ के हेल्प कर रहे हैं, अरे तुम लोग बस शूटिंग में व्यस्त हो। तुम्हारा प्रधानमंत्री भी ऐसे ही है, साला कभी बोलता है गौतम बुद्ध नेपाल में पैदा हुआ है, कभी बोलता है इंडिया में पैदा हुआ है, एक दिन कहेगा साला मैं गौतम बुद्ध हूं। लगता है तुम्हारे प्रधानमंत्री ने गजनी फिल्म ज्यादा देखा है, टोटल माइंड लॉस। साला फिल्म भी तुम लोग ऐसे बनाते हो क्या है? किसी भी देश के साथ, किसी भी देश के साथ ऐसा गलत खबर, किसी का देश, किसी भी देश हो, चाहे वो नेपाल हो कोई भी देश हो, ऐसा खबर मत फैलाओ, इससे बहुत धक्का लगता है देश के नाम पर। क्या मीडिया का धर्म यही है? हाँ तुम लोग हमारे तरफ एक उंगली करोगे, एक उंगली करोगे नेपाल की तरफ तो देखो भाई चार उंगली तुम्हारे देश की तरफ है, ये भी सोचना। नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र है मालूम नहीं है? हाँ तुम लोग हेल्प के लिए आए, स्वागत है, हम लोग तुमको स्वागत करते हैं, हेल्प करो। तुम लोग के मीडिया की वजह से तुम्हारा देश भी बदनाम हो रहा है। तुम लोग अपना देश में जाके क्या मुंह दिखाओगे जनता को, हिंदुस्तान की जनता को क्या मुंह दिखाओगे? हाँ अरे तुम्हारे ही प्रधानमंत्री ने अभी तुम लोग का कोई तुम्हारे साथ नहीं है मालूम है? देखा नहीं न्यूज में मोदी ने क्या कहा है? अगर कोई भी इंडिया का पत्रकार कोई भी अगर नेपाल के खिलाफ बोले तो एक थप्पड़ लगा दीजिएगा, लेकिन हमारा नेपाली का हम लोग नेपाली लोग थप्पड़ नहीं, दिमाग घूम गया तो क्या क्या लगाता है ये तुम लोग को मालूम नहीं है। तुम लोग नेपाल का क्या अस्तित्व जानना चाहते हो, नेपाल का हिस्ट्री तुम लोग को मालूम नहीं है? ये वक्त भाषण छाड़ने का नहीं है, ना कैमरा में वीडियो बना के पेश करने का, ये टाइम है हेल्प करने का। अरे यार तुम लोग क्यों ऐसा बदनाम कर रहे हो नेपाल को, ऐसा मत करो। मैं संपूर्ण नेपाली की तरफ से आज कहता हूं इंडियन मीडिया को ऐसा मत करो। अगर तुम लोग ने हमारे देश के खिलाफ एक भी गलत खबर पहुंचाया आइंदा से तो देखो क्या होगा। जय नेपाल।